हेलो एवरीवन, आज हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ का 2011 में जो प्रश्न पत्र आया था उसे देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलेंगे सेक्शन ए में। सेक्शन ए का जो पहला प्रश्न है वो है, आ का भतीजा अपने घर से भाग गया। उसने अपने नौकर को खोए हुए भतीजे को खोजने के लिए भेजा। जब नौकर जा चुका था तो उसने ये घोषणा की, जो कोई भी खोए हुए बालक को खोज लाएगा उसे 500 रुपये का इनाम दिया जाएगा। इसे जाने बिना नौकर ने खोए हुए बालक को खोज लिया। नौकर ने जब इनाम के बारे में ज्ञात हुआ तो उसे वसूलने के लिए आ के विरुद्ध कार्रवाई की। कार्रवाई का क्या निर्णय होगा, व्याख्या कीजिए। अब इसके बाद जो सेकंड है वो है, एक्स ने अपना मकान जिसकी बाजारू कीमत 50 लाख रुपये है 5 लाख रुपए में वाई को बेच दिया। विक्रय की वैधानिकता की विवेचना कीजिए। अब हम चलेंगे सीधे सेक्शन बी में। सेक्शन बी का जो पहला प्रश्न है वो है, प्रस्ताव का आमंत्रण इम्पोर्टेंट है। और चौथा है, प्रस्ताव वापस कब लिया जा सकता है। और पांचवा है, आविधिक प्रतिफल क्या है। इसके बाद छठा है, स्वतंत्र सहमति। फिर उसके बाद सातवां है, दिवालिये की संविधा के लिए योग्यता। आठवां है, प्रतिफल का परिपूर्ण आवश्यक नहीं है। नवा है, धोखा की संविधा पर क्या प्रभाव पड़ता है। दसवां है, करार शून्यकरणी कब होता है। उसके बाद ग्यारहवां है, शून्य करार कौन सी है, इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद है बारहवां, स्वीकृति कब वापस ली जा सकती है। तेरहवां है, विशेष अनुतोष क्या है। इसके बाद चौदहवां है, संविधा भंग पर क्या उपचार उपलब्ध है। पंद्रहवां है, सहमति स्वतंत्र कब होती है, इम्पॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम चलेंगे, इसके बाद सोलहवां है, उभयपक्षी भूल और उसके प्रभाव। अब हम चलेंगे सेक्शन सी में। सेक्शन सी का जो पहला प्रश्न है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। यह है संविधा। प्रत्येक संविधा में एक करार होता है परंतु प्रत्येक करार संविधा नहीं होती है, व्याख्या कीजिए। इसके बाद सेक्शन सी का जो सेकंड प्रश्न है वो है, अवयस्क संविधा का क्या प्रभाव है और अवयस्क की संपत्ति संविधा में कब दायित्वहीन हो जाती है, व्याख्या कीजिए। 19वां जो है वो है, ये इम्पोर्टेंट है, न्यायालय द्वारा संविधा के विशिष्ट अनुपालन का निर्देश कब दिया जाता है, व्याख्या कीजिए। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल लॉ स्टूडियो एसोसिएट्स को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए।